एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और दो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी है. x1 पोजीशन है, x2 पोजीशन है मीन पोजीशन से, तो वेलोसिटी v1 है और v2 है. तो टाइम पीरियड निकालना है. अब इस क्वेश्चन को करने में क्या होता है, बच्चे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं. ये हमारा SSM रहा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, इधर पार्टिकल जाएगा आएगा रुक नहीं पाएगा फिर वापस आएगा. तो यहाँ अब जो वेलोसिटी होती है पोजीशन डिपेंडेंट वो ओमेगा एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होती है, ये पोजीशन डिपेंडेंट होती है. अब पहली बार वेलोसिटी वी वन है, ओमेगा तो एक SSM के लिए कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है एक SSM के लिए माइनस एक्स डैश स्क्वायर अंडर रूट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसी SSM के लिए जो वेलोसिटी है वो वी टू है, ओमेगा है उस SSM के लिए कांस्टेंट रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा माइनस पोजिशन एक्स टू का स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू. अब हमें क्या निकालना है बोलो, हमें टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड निकालने का पहला तरीका ये है कि इन दोनों से डिवाइड कर दूँ, फिर डिवाइड करने के बाद मान लो डिवाइड करने के बाद ओमेगा है, ओमेगा निकालोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा. हमें x1 और x2 रहने देना है. तो एक काम करते हैं, इसको देखो घटाना है या तो जोड़ना है या तो घटाना है इसको. तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऑप्शन से देख के पता चल रहा है, v1 v2 को या तो जोड़ना है या तो घटाना है. तो वी वन अपॉन ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, यहाँ से सिंपली सॉल्व हो जाएगा. वी टू ओमेगा टू का स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा भाई, टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर. अब अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूँ, इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो ए इलिमिनेट हो जाएगा और जो कि मैं सही करूंगा. अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2a आ जाएगा, जो कि 2a एक अननोन वेरिएबल जनरेट हो जाएगा एम्पलीट्यूड, जो इसमें है ही नहीं. मतलब इन दोनों को मुझे घटाना पड़ेगा. ये सब आइडिया मुझे देख के पता चल रहा है ऑप्शन से. ऑप्शन का भी कभी कभी फायदा उठाया करो. तो इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा. तो वी वन ओमेगा का स्क्वायर माइनस बी टू ओमेगा का स्क्वायर, और इसको इसमें मैं घटाऊंगा माइनस करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर. ये अब हमें चाहिए मेरे प्यारे बच्चों टाइम पीरियड. टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे ओमेगा को एक साइड करना पड़ेगा. तो वन अपन ओमेगा कॉमन हो गया, वन अपन ओमेगा कॉमन हो गया. तो वी वन स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज ओमेगा, है ना. वन अपन ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए और जोड़ जाड़ लिए. तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो टू पाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वी वन माइनस बी टू का स्क्वायर ये अंडर रूट. मतलब ये हुआ, देखो कोई मैच किया, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी वन माइनस बी टू टू पाई, डी ऑप्शन मैच कर रहा है. चलो इस तरह से आप करो, फास्ट कैलकुलेशन करो, जितना फास्ट करोगे रोबोट की तरह कैलकुलेट करो.